इंसानों की शुरुआत कैसे हुई या फिर ह्यूमन इवेल्यूएशन थ्योरी। साइंस मानती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवेल्यूएशन को। हिंदू माइथोलॉजी इसे क्या कहती है? कैसे हुई थी इंसानों की शुरुआत? दोनों में से कौन सही है? चलिए डिकोड करते हैं आज इस कॉन्सेप्ट को, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने में मिलने वाली हैं। तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहना। तो स्वागत है आपका RSI पर एक और नई वीडियो में। मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका RSI की एक सीरीज में जिसका नाम है द साइंस फ्रॉम स्टोन एज। अकॉर्डिंग टू द साइंस, सबसे पहले धरती पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरुआत हुई थी, फिर हम बदलाव के साथ मैमल्स बने, फिर रेप्टाइल्स बने, और फिर बंदर और वो सारी चीज़ें होकर हम इंसान बने, जो कि आपको पता ही होगा। पर अब सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये इवेल्यूशन थ्योरी, आज हमको पता है, पर ये सारी चीज़ें हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू धर्म शास्त्रों में पहले से कैसे हैं, ये कैसे हो सकती हैं जबकि सारे पैरामीटर्स, सारी कैलकुलेशंस तो अभी आई हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि भगवान विष्णु के अवतार, उनका सबसे पहला अवतार था मत्स्या अवतार, यानी कि एक मछली के रूप में उनका अवतार था, फिर वराह अवतार, फिर नरसिम्हा अवतार जो कि एक लाइन हेड था, और अंत में ब्राह्मण अवतार जो कि इंसानी अवतार था। अब अगर आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवेल्यूशन और सारे विष्णु अवतारों को एक साथ मिलाकर साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आपको दोनों चीज़ें सिमिलर मिलेंगी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेंगे। और यहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू द पूर्णिमा, पृथ्वी 4.35 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ये मॉडर्न साइंस ने आज प्रूव कर दिया है कि पृथ्वी सही में 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि ये चीज़ उनको हजार साल पहले पता थी। लेकिन कैसे? तो लोग हजारों सालों पहले भी इतने इंटेलिजेंट कैसे थे? उनको यहाँ से लेकर सूर्य तक की दूरी कैसे पता थी? उनको चंद्रमा तक की दूरी कैसे पता थी? उनको ये कैसे पता था हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? ये सारी चीज़ें वो कैसे जानते थे? इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम पूरी शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी साइंस डिकोड करेंगे, क्या ये धर्म है या कोई और चीज़ है, या एक साइंस के प्रोस्पेक्टिव से ही है लेकिन हमने उसको धर्म के भाव में लेना शुरू कर दिया, ये चीज़ें क्या है, इन हर एक चीज़ को हम डिकोड करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये एक ट्रेलर था।